हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन डेल्टा होम। तो आज हम पढ़ते इसके पहले वाला जो क्लास था, अपना वीडियो था, लेक्चर था, तो उसमें हमने अर्लोल कंडेंसेशन पढ़ लिया था। ओके, तो अर्लोल कंडेंसेशन में एक और जो अर्लोल कंडेंसेशन पहला वाला हमने पढ़ा था, वो एक प्रकार से सेल्फ अर्लोल कंडेंसेशन था। अभी हमें क्रॉस अर्लोल कंडेंसेशन पढ़ना है। ओके, तो क्रॉस किस प्रकार से होता है? तो क्रॉस जो होता है वो हमें बताया है, अर्लोल कंडेंसेशन के लिए दो मॉलिक्यूल्स अल्डिहाइड या कीटोन के जरूरत होती है। तो अगर वो सेम ही का मॉलिक्यूल्स है, यानी एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल है, जैसे कि अल्डिहाइड के फॉर्मल्डिहाइड, या फॉर्मल्डिहाइड तो काम नहीं करता इसमें, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के ही रहेंगे। अगर एक उसमें एसिटल्डिहाइड और एक दूसरा प्रोपेनॉल्डिहाइड रहता है, यानी डिफरेंट, जैसे हमने अब लिखा टू डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, विथ अल्फा हाइड्रोजन एटम इज मस्ट रहना ही होगा पे, ठीक है। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड कीटोन, अल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है, अगर रिएक्शन करते हैं उसमें एक नहीं बल्कि चार सब्सटेट हमें मिलते हैं, चार प्रोडक्ट हमें मिलते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट में चार मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हमें मिलते हैं, चार प्रोडक्ट मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके हम क्लियर कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है, दिस इज द एसिटाल्डिहाइड, ओके, और ये वाला क्या है, प्रोपेनॉल्डिहाइड। ओके, तो ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्डिहाइड है। ओके, तो यहाँ पे एक तो ये मॉलिक्यूल है, इस यही इस यानी कि एसिटाल्डिहाइड के ही दो मॉलिक्यूल मिल के अल्डिहाइड बनाएगा, अल्डोल बनेगा, या फिर उसके आगे वाला जो कंपाउंड है हम इनाल बोलते हो वो बनाएंगे, ठीक है। या फिर ये जो प्रोपेनॉल्डिहाइड, प्रोपेनॉल्डिहाइड की दो मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्शन करेंगे और प्रोडक्ट देंगे। तो ये हो गए सेल्फ, यानी ये प्रकार से एक प्रकार से है सेल्फ कंडेंसेशन बोलेंगे उसको। ओके, और अगर एक और एक ये दो मिला के बनाएंगे, और ये ठीक है पहले ये रहेगा बाद में ये रहेगा, या फिर ये रह सकता है पहले बाद में ये रह सकता है, इस प्रकार से और दो बनेंगे, हम देखते कैसा होगा। और दिस इज कॉल्ड एज फिर क्रॉस, यानी अलग अलग, तो मेन है ये क्रॉस वाला हमारा। तो सेल्फ मतलब वही वाला है, फिर से और एक बार देखेंगे हम, जिसको हम अल्डोल कंडीशन बोलते हैं, वो वाले हो गए। और अगर दो डिफरेंट होते हैं तो उसको बोलेंगे क्रॉस, लेकिन ये दोनों एक एक साथ ही हम देखते, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ओके, तो अभी हमारा जो सेल्फ वाला है, जो पहला पिछले पीरियड में हमने देखा था, तो ये पहले हम लिख देंगे यहाँ पे CH3, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताया इसमें क्या रहता है, एक्वस एडिलूट NaOH, ठीक है। तो यहाँ का न्यूक्लियोफाइल सेकंड मॉलिक्यूल का अल्फा जो है वहाँ से हाइड्रोजन निकाल लेंगे और यहाँ पे अटैच कर देंगे। ओके, तो दिस मॉलिक्यूल का फर्स्ट हम याद रखने के लिए इस प्रकार से ये H हो गया, और यहाँ पे OH, EH कहाँ से आया, इधर से। तो फिर यहाँ का ये वाला जो है, जहाँ से ये चाहता है वही वाला कार्बन यहाँ पे अटैच हो जाएगा, यानी CH बचेगा, पे एक H चला गया, एक H बचा, और ये CH3 जो है वो नीचे आएगा, ये वाला, ये याद रखना है, ठीक है, इस प्रकार से इसे याद रखना है हमें। देन ये आखिरी का फिर यहाँ पे जैसे वैसे C डबल बॉन्ड वो एंड दिस H। ओके, ये हो गया अपना अल्डोल। देन हीट इट दैट इज वॉर्म, तो वाटर मॉलिक्यूल विल बी रिड्यूस्ड, तो निकल जाएंगे वैसे। तो यहाँ का H और दिस OH, यानी ये वाला जो हम ऊपर भी लिख सकते हैं उसको H को, ये निकल जाएगा, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड क्रिएटेड C, यानी हियर CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड होने के कारण यहाँ पर एक निकल गया सी, ये गलत था अपना, ये जो है CH यहाँ का है, ओके, और ये CH3 यानी यहाँ पे, ये गलत हो गया था हमारा, ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, यहाँ से CH निकला, वहाँ पे CH3, याद रखना बराबर, ध्यान से देखो। ओके, देन O N H, ठीक है, ये हो गया अपना कंडेंसेशन के बाद में जो कंपाउंड फॉर्म होता है वो वाला, ठीक है। तो दिस इज, यहाँ पे देखो इसका
नाम क्या आएगा, ये सेकेंड को है यानी टू मिथाइल, मिथाइल बोलो या मिथिल बोलो चलेंगे, वन टू सेकेंड को और क्या है उसमें डबल बॉन्ड यानी कि वन टू थ्री फोर ब्यूट डैश टू ई एन ए एल, ये उसका नाम हो गया। ओके उसी प्रकार से सेकेंड कंपाउंड है ये भी इट सेल्फ फॉर्म करेगा, जैसे कि अभी भी हम सी एच थ्री सी एच टू सी ठीक है यहाँ पे एच एंड हियर ओ एच। ओके एंड देन सेकेंड कंपाउंड का फिर यहाँ पे ये वाला अटैच होगा जहाँ से एक एच निकल के यहाँ पे चला गया ठीक है, यहाँ पे रहेंगे फिर सी एच एंड हियर सी एच थ्री, इसका वाला ये मुड़ के सी एच थ्री नीचे लिखेंगे एंड देन सी डैश एच डबल बॉन्ड वो देन वॉम बाय बॉटम वाले को रिलीज देन दिस एच। अभी हमने बोला था एक एच ओ यहाँ पे लिखो या फिर इस प्रकार से हम ऊपर में भी इसको लिख सकते हैं ठीक है। फिर ए मॉलिक्यूल जो है ये बाहर निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल देन सी एच थ्री सी एच सी एच ठीक है, इसके बीच में डबल बॉन्ड क्रिएट देन सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड है दिस एच। अभी इसका भी नाम टू मिथाइल वन टू थ्री वन टू सेकेंड को ये दैट इज और दिस पेंट है। ओके पेन टू ई एन एंड एल। ओके वेरी इजी, नेक्स्ट थोड़ा नीचे लिख लेते इसको, नेक्स्ट विल बी ए और ये इसके बीच में बनाएंगे। ओके तो पहले ये लिख लेंगे सी एच थ्री सी यहाँ पे एच एंड दिस ओ एच देन अटैच दिस फ्रॉम हियर। ओके सी एच देन यहाँ पे सी एच थ्री देन दिस सी ओ एंड दिस एच। ओके देन वॉमिट ये सभी अल्डोल कंपोनेंट है फर्स्ट वाला। हाँ नेक्स्ट माइनस एच टू तो यहाँ पे फिर वही सी यहाँ का एच और ये ओ एच निकल जाएगा। ओके दिस विल बी लाइक दिस देन सी एच थ्री सी एच डबल बोन सी एच हियर यहाँ पर नहीं दिस विल बी हियर सी एच थ्री देन दिस सी डबल बोन ए दिस एच ठीक है। इस प्रकार किसे हमने यहाँ पे ये निकाल लिया। तो देखो अभी यहाँ पे जो कंपाउंड फॉर्म हुआ तो यहाँ पे ये क्या है टू मिथिल। ओके वन टू एंड दिस वन टू यहाँ पे डबल बॉन्ड आएंगे यहाँ पे दिस इज ऑल्सो ब्यूट ब्यूट टू ई एन ए एल इस प्रकार से। नेक्स्ट इज अभी इसे आगे लेंगे हम ये वाला हम आगे लेते हैं जैसे कि यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू सी यहाँ पे ओ एच ठीक है एंड दिस एच और ये कंपाउंड यहाँ पे अटैच होगा यहाँ पे अल्फा जो है ये वाला है तो यहाँ का एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे कितने बचे अभी सी एच टू एंड दिस सी डबल बॉन्ड वो एंड दिस एच। ओके देन एच टू इस प्रकार से फिर यहाँ पे यहाँ का एच के एच और ये वो निकल जाएंगे यानी यहाँ पे सी एच थ्री सी एच टू डैश सी एच। ओके और यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा सी एच एंड देन सी डबल बॉन्ड वो दिस एच। अभी इसका नाम वन टू थ्री पेंट पेंट और सेकेंड को है टू ठीक है एन एल आया समझ बात। इस प्रकार से चार कंपाउंड हमारे प्रिपेयर हो गए। ओके यहाँ पे भी देखो अभी ये ब्यूट ये वाला जो भी है यहाँ पे हमारा जो एक प्रॉब्लम हुआ है जो हम यहाँ पे क्रिएट करना है सॉल्व करना है इसमें देखो इसमें एक पहली रिएक्शन में जो है हमारी गड़बड़ होगी यहाँ पे हमने सेल्फ लिखा लेकिन रिएक्शन जो है क्रॉस की होगी ठीक है। आपको देखो यहाँ पे जो आपको ध्यान में आएगा इम्पोर्टेंट है वो ये वाला एक कंपाउंड लिया हमने और सेल्फ है मतलब ये सेकंड भी यही कंपाउंड लेना है ये वाला नहीं लेना है। ओके याद रखना फिर से और एक बार समझ लो इसमें
ये वाला जो कंपाउंड है हमने ये ले लिया हमने, और यहाँ पे इस सेकेंड लिया, लेकिन यही से लेना है, यानी यही से लेना है, मतलब इसका जो अल्फा ये वाला है, ठीक है ये वाला है, तो यहाँ पे ये नहीं रहेगा, और यहाँ पे फिर क्या आएगा, टू आएंगे, ये कार्बन चला गया इसमें, हाइड्रोजन चला गया यहाँ पे, तो यहाँ पे CH2 रहेगा, ध्यान रखना इसमें, ठीक है जो भी अल्डोल है। और फिर नेक्स्ट यहाँ का एक H और ये रहेंगे ही नहीं, क्योंकि सेल में है ना यही कंपाउंड यानी यही मॉलिक्यूल उसके साथ ही रिएक्शन करेंगे, हमने इसका इसका कर लिया था, ये तो ये डबल हो गया था, यहाँ पे भी आएगा था वही बराबर, ये तो सेम है, वही रिएक्शन हो गई, यहाँ पे भी वही सेम है जो क्रॉस में आता है, तो यहाँ पे क्रॉस में नहीं होना चाहिए, दिस सेल, तो इसका ही सेम रहेगा, तो यहाँ पे CH2 देन दिस, यहाँ का एक हाइड्रोजन दिस OH गेट आउटसाइड, तो यहाँ पे एक इंच और बढ़ेगा बचेगा, ये करेक्शन में यहाँ पे कर लेंगे, नाम भी उसका करेक्ट कर लेंगे, करेक्शन में नाम इसका देखो 1,2-ब्यूट है, दिस ब्यूट एंड दिस 1,2-सेकेंड को इन और इनहेल, इस प्रकार से। तो अब यहाँ पे देखो चार अलग अलग कंपाउंड फॉर्म में, एक ये वाला दिस दिस और दिस, हर एक डिफरेंट, ठीक है हमारे क्या होता है ये सेम में आया गया था, क्रॉस में हो गया था, लेकिन दिस सेल्फ में चाहिए, दो रिएक्शन सेल्फ की आती है इस प्रकार से, और दो रिएक्शन क्रॉस में आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्रॉस अल्डोल कंडेंसेशन देख लिया, तो ये क्रॉस में दो सेल्फ की आ जाती है अपने आप, और दो क्रॉस की आती है, इस प्रकार से चार सबस्टेट यानी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं इन दिस रिएक्शन, ओके। तो इस प्रकार से आपको ये रिएक्शन बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो एक और इसको पूरा क्लियर करने के लिए हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं कीटोन का भी, कीटोन के लिए अगर हम एसिडिलाइड और कीटोन लेते हैं, मानो अभी हम एक कीटोन लेते तो उसमें किस प्रकार से कीटोन का फार्मूला जो सी डब, अभी एसीटोन लेते हैं हम यहाँ पे कीटोन के एग्जांपल, दिस इज एसीटोन ले लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ पे फिर किस प्रकार से होगा, अभी यहाँ पे हम पूरा चेंज करते करते जाते हैं, तो CH3 यहाँ पे H एक यहाँ पे चला गया बराबर है, ये रिएक्शन सेम टू सेम रहेंगी, ओके इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये जैसे कैसे रहेंगे, देन सेकेंड का इसका बनेगा यानी ये वाला सेल में, यानी CH3 सी यानी यहाँ पे हमारा आएंगे ये हो गया CH3, ठीक है COH, और यही पे जाएंगे हमारा ये CH3 यानी यहाँ पे बनाए लेते हैं इस प्रकार से हम बना देते हैं एग्जांपल, ओके। तो यहाँ पे जो है कीटोन का सेल्फ में आएंगे CH3, और एक बार आपको अल्डोल भी समझ में आ जाएगा इसलिए कर लेते हैं सी, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड से भी क्या हो जाएगा OH, सेकंड मॉलिक्यूल का OH, एंड यहाँ पे CH3 जो है वो नीचे आ जाएगा, और ये जो है सेकंड मॉलिक्यूल का यहाँ से आएगा, ये अल्फा है, दोनों अल्फा है, लेकिन ये कोई भी एक साइड से सेम है, तो यहाँ से निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा CH2, देन सी डबल बॉन्ड O, दिस इज O, एंड देन CH3, ओके। नेक्स्ट वही यहाँ से एक हाइड्रोजन OH गेट आउटसाइड CH3 सी, यानी इस प्रकार से भी लिख सकते हैं एक H, दिस इज गेट आउटसाइड, ओके डबल बॉन्ड CH CH3 सी डबल बॉन्ड O एंड दिस CH3, ओके। नेम ऑफ दिस कंपाउंड विल बी 1,2,3,4 मिथाइल, 1,2,3,3 में है पेंट पाँच है, ओके 1,2,3,4 पेंट पाँच, एंड दिस थर्ड को है दिस डबल बॉन्ड दैट इज 3EN, और CH3 यानी कीटोन है, और सेकेंड को रहता है वो ONE, इस प्रकार से नेम रहेंगे उसका, देन थर्ड क्रॉस में देखते दो रिएक्शन होंगे दिस एंड दिस, अभी इसमें दिस एंड दिस यहाँ तक के ओके, ओके ये वाला, और यहाँ से फिर हम ये वाला कंपाउंड यहाँ पे नीचे लिख देंगे, ओके। तो ये वाला हो गया यहाँ तक के पोर्शन अपना, ये वाला हो गया यहाँ तक के ये वाला, एंड देन यहाँ का CH2 यहाँ पे आएगा CH2, ओके नीचे CH3 है, और नहीं CH3 वहाँ पे रहेगा ये वाला, देन ये नहीं रहेगा यहाँ पे जाएंगे हम, दिस विल बी C डबल बॉन्ड वो एंड द CH3, यहाँ पे भी उस प्रकार से एक H निकल जाएगा, ठीक है, और यहाँ का एक OH वो निकल गया, यानी CH
CH2 एंड दिस इज सी डबल बॉन्ड CH3। इस प्रकार से ये भी कंपाउंड बन गया। ओके, अब यहाँ पे देखो इसका नाम जो है वो क्या रहेगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ओके, तो ये हो गया पेंट, पेंट 1, 2, 3, 3 EN एंड दिस इज 2 ONE। ठीक है, देन हम इसे इसे आगे रखते हैं। ओके, पूरा लिख लेते हम, देन हम इसे आगे रखते हैं, यानी CH3 C ये वाला आगे रहेंगे, फिर ये नीचे पीछे में यहाँ से OH हो जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ पर OH को अटैच हो जाएगा, देन नीचे लिखते हैं CH3, और जहाँ पे हाइड्रोजन निकल गया वो वाला कंपाउंड यहाँ पे अटैच हो जाएगा CH2 C बनो एंड द H। ओके, इस प्रकार से अभी फिर यहाँ का एक हाइड्रोजन और ये OH बाहर निकल जाएगा। ओके, यहाँ पे दो है तो एक एक H हम यहाँ पे निकलेंगे, दिस निकल जाएगा, देन दिस CH3 C डबल बॉन्ड CH एंड हियर CH3, दिस इज C डबल बॉन्ड O एंड H। अब इसका नाम देखो, ये 1, 2, 3, 3 मिथाइल, 1 ब्यूट है ये। ओके, ब्यूट एंड दिस सेकेंड 2 EN और दिस अल्डिहाइड दैट इज AL, 2 NL। ओके, तो आए आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया अभी टॉपिक है। ठीक है, तो क्रॉस अल्डोल कंडीशन इस प्रकार से आपको याद रखने में काफ़ी आसान तरीका है, काफ़ी ईजी जाएगा, और वही क्रॉस याद रखते रखते आपको सेल्फ अल्डोल कंडीशन भी समझ गया। ओके, तो इस प्रकार से ये अपना वीडियो, नेक्स्ट इसमें हम क्रेंजरॉल में हम नहीं लेंगे, नेक्स्ट एक्शन हम लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टिल देन गुड बाय।